उधर कानपुर में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई। दावा हो रहा है कि पीयूष जैन के संबंध समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता से है, और ये दावा इस वजह से है क्योंकि पिछले महीने जब अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, उसका संबंध भी इसी इत्र व्यापारी पीयूष जैन से जोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले एबीपी गंगा से बात करते हुए यह भी कहा था कि आने वाले दिनों में सीबीआई और ईडी की टीमें भी आएंगी। हालांकि दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं का कहना है कि जिस पर भी दाग होंगे उसके खिलाफ विभाग अपनी कार्रवाई करेगा। आज कानपुर और कन्नौज में जो छापेमारी हुई है उसमें 150 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की बात सामने आई। व्यापारी के घर टैक्स चोरी की दुर्गंध। सर कितनी मशीनें टोटल अंदर जा चुकी हैं? कन्नौज से कानपुर तक पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी। चुनाव से पहले छापेमारी पार्ट 2। 9 नवंबर को सपा दफ्तर से अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। दावा था कि इस इत्र में समाजवाद की खुशबू हो, लेकिन अब इत्र व्यापारी पीयूष जैन पूरे फंस गए। आयकर विभाग की टीम ने जब उनके घर पर छापेमारी की तो करीब 150 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, जाँच अभी जारी है। कन्नौज से लेकर कानपुर तक जिस पीयूष जैन के ठिकानों पर छापे पड़े, वहां नोट गिनने के लिए समय और मशीनें दोनों कम पड़ गए। शाम होते होते जब नोटों की गिनती खत्म हुई तो 40 से ज्यादा बक्सों में भरकर उसे कंटेनर में रखवाया गया। समाजवादी पार्टी के 3 लोगों का रेड हुआ, मैनपुरी में मनोज के यहाँ, मऊ में राजीव राय के यहाँ, लखनऊ में नीटू के यहाँ। कुछ भी नहीं मिला कहीं भी, झूठ बोलता है अगर कोई कहता है। किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने कहा कुछ मिला? अरे उनसे क्या, तमाम बिजनेसमैन इस देश के, अरानी क्या डाल दो 100 अरब मिल जाएंगे। कुछ दिन पहले लखनऊ से मऊ तक सपा नेताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई थी, तब भी मामला गर्म हुआ था। एक बार फिर सपा नेता के करीबी के ठिकाने पर छापा पड़ा तो वार पलटवार शुरू हो गया। हालांकि सरकार ने फिर कहा है कि विभाग अपना काम कर रहा है। कार्रवाई इस आधार पर नहीं करती कि कौन किस दल का है, बल्कि अगर किसी की कोई शिकायत है उस आधार पर कार्रवाई होती है। किसी के प्रति कोई भी प्रोजुडिस होकर सरकार काम नहीं करती। सियासत अपनी जगह है, लेकिन नोटों की ये गड्डियां कई सवाल खड़े कर रही हैं। अलमारी में भरे ये बेहिसाब नोट बता रहे हैं कि अगर कमीज पर दाग हैं तो नेताओं से दूरी बनाकर ही रखें। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।